तो चलिए दोस्तों मैगी पकौड़ा बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा एक पैकेट मैगी एक बाउल चॉप की हुई अनियन हाफ़ बाउल चॉप किए हुई कैप्सिकम एक बाउल चॉप की हुई कैबेज हाफ कप यहाँ पे हमने बॉईल किए हैं कॉर्न लिए हैं एक टेबल स्पून सोया सॉस एक टेबल स्पून कैचअप एक टेबल स्पून बेसन दो चॉप की हुई ग्रीन चिली हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर सॉल्ट एज पर टेस्ट यहाँ पे हमने ऑर्डर गर्न लिया है और पिज़्ज़ा सीजनिंग अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो कोई बात नहीं तो सबसे पहले यहाँ पे एक पतीले में हम 180 एट्टी पानी ले लेते हैं स्टोव ऑन कर लेंगे और मैगी को पकने के लिए इसमें रख देंगे यहाँ पे हम एक मैगी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें इसी टाइम पे मसाला भी डाल देंगे याद रखिए कि हमें मैगी को और कुक नहीं करना है एट्टी परसेंट मैगी को कुक करना है इसके बाद हम स्टोव ऑफ कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मैगी एट्टी परसेंट कुक हो चुकी है तब तो इसे हम एक बाउल में ले लेते हैं तो यहाँ पे मैगी को हमने एक बाउल में ले लिया है अगर मैगी ओवर कुक होगी तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे याद देखिए कि मैगी को 80 परसेंट ही हमें कुक करना है अब आइए इसमें हम सारे मसाले जो भी हमने कैचअप वगैरह लिया है वो सब इसमें ऐड कर देते हैं तो सबसे पहले इसमें हम कैबेज डाल देंगे कैबेज को हमने मोटा मोटा कट किया है आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी इसे कट कर, कर सकते हैं इसके बाद इसमें डाल देंगे हम कैप्सिकम, अनियन डाल देंगे हम कॉर्न ऐड कर देंगे कॉर्न की वजह से इसमें काफ़ी बेहतरीन टेस्ट आता है अब इसमें सारे सॉसेस ऐड कर देंगे सबसे पहले यहाँ पे बेसन ऐड कर देंगे हम बेसन और कॉर्नफ्लावर से इसमें काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आती है पकौड़े बहुत ही इजीली हम बना सकते हैं इसकी वजह से इसमें कॉर्नफ्लावर और बेसन डाला जाता है अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर देंगे ग्रीन चिली डाल देते हैं यहाँ पे हमने दो ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं ज़्यादा या कम सोया सॉस डाल देंगे सोया सॉस की वजह से इसमें काफ़ी अच्छा कलर आता है कैचअप अब आइए इसमें नमक ऐड करते हैं याद रखिए कि मैगी मसाला में भी नमक आता है और सोया सॉस में भी काफ़ी ज़्यादा नमक होता है तो आप बड़े ध्यान से ही इसमें नमक डालिए और एकगा डाल देते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो कोई बात नहीं इसमें सिर्फ मिक्स हब्स ही आता है हमने यहाँ पे इसे थोड़े से टेस्ट बढ़िया है इसकी वजह से इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है ये तो इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देते हैं हम तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर हमने चम्मच का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो अपने हाथों से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स करना काफ़ी अनिवार्य रहता है क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ डाली है अगर हम इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो जब भी हम पकोड़े बनाएंगे उस वक्त ये सारा कुछ बिखर जाएगा तेल में तो याद रखिए कि इसे अच्छे से मिक्स करना हमें काफ़ी अनिवार्य है तो जब भी आपको पकोड़े बनाने का मन हो और आपके वहाँ पे बेसन कम हो तो आप ये पकोड़े बना सकते हैं तो आइए हम तेल को गर्म करने के लिए रख देते हैं तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है अब आइए पकोड़े बना के हम तैयार कर लेते हैं अगर तेल में थोड़ी सी सब्ज़ियाँ वगैरह बिखर रही हो तो उस टाइम पे आप इसमें बेसन या फिर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं पकोड़े बनने में सिर्फ दो ही मिनट लगते हैं दो मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब आइए इसे निकाल देते हैं हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है तो आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं तो आप ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए सब्ज़ियाँ वगैरह मिक्स करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल ही दो से पाँच मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं अब आइए इसे हम सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं इसे हम टोमेटो कैचअप के साथ सर्व करेंगे टोमेटो कैचअप के साथ ये बहुत ही अच्छा जाता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लगता है तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो